नासा का हबल टेलीस्कोप कैसे कैप्चर एंड प्रोसेस करता है स्पेस की माइंड ब्लोइंग इमेजेस को। सो हबल टेलीस्कोप नॉर्मल कैमरास या स्मार्टफोन की तरीके से काम नहीं करता है। इसमें ऐसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि लाइट सोर्सेस को डिटेक्ट करते हैं फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट टू इंफ्रारेड कैटेगरी, जो कि बाद में कन्वर्ट होते हैं डिजिटल सिग्नल्स में। अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, एक वीक में हबल टेलीस्कोप ऑलमोस्ट 20 से 140 जीबी का डेटा प्रोसेस करता है, विच इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रीमिंग 30 टू 35 एचडी मूवीज। बट ये डेटा हम तक अर्थ पर कैसे आता है? इसके लिए हबल यूज करता है नासा के ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम का, जो कि ऑलमोस्ट 60% टाइम ही इन अ डे इसके कॉन्टैक्ट में होते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस विंडो ऑलमोस्ट 6 Mbps/s की स्पीड से ये अपने स्टोरेज को एम्प्टी करता है फॉर नेक्स्ट प्रोसेसिंग। एंड फाइनली ये डेटा रिसर्च सेंटर में पहुंचने के बाद डीकोड करा जाता है एंड हमें मिलती है स्पेस की बहुत प्यारी इमेजेस। अगर फैक्ट्स सुन के मजा आया तो फॉलो कर लो।